राजधानी सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्च माह से ही सूर्य के प्रचंड तेवर देखने को मिल रहे हैं। मैदानी इलाकों सहित ऊंचाई वाले इलाकों में इन सूर्य की तपिश आए दिन बढ़ती जा रही है। मार्च 2010 के बाद गर्मी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां राजधानी सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अप्रैल माह के अंत में हल्की गर्मी में बढ़ोतरी होती थी, वहीं इस वर्ष मार्च के मध्य में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो मार्च 2010 के बाद इस वर्ष गर्मी ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सोलन, शिमला व सिरमौर में इस वर्ष सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किए गए हैं। शिमला में 22 मार्च 2010 को सबसे अधिक 16.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। इस वर्ष गर्मी ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 17 मार्च 2022 को 18 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं धर्मशाला में 29 मार्च 2010 को 31.6 तापमान दर्ज किया गया था, वहीं इस वर्ष 29 मार्च को 33.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सोलन व सिरमौर में भी गर्मी के सभी पुराने रिकॉर्ड टूटे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो केलोंग में जहां अप्रैल माह में पहले 19.6 तापमान दर्ज किया गया था, वहीं इस वर्ष अप्रैल माह में यहां के तापमान में बढ़ोतरी हुई है और 19.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है, आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। सुरेंद्र पाल ने कहा कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते 13 से 15 अप्रैल तक मौसम खराब रहने की संभावना है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। देखिए, मार्च में ऑलरेडी कई जिलों में जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर और सोलन, इन जिलों में जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर इस साल मार्च में रिपोर्ट की गई। और शिमला की जहां तक बात करें तो ऑल टाइम रिकॉर्ड शिमला का 22 मार्च 2010 में था 16.5, लेकिन इस साल जो है 17 मार्च 2022 में जो है टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि ऑल टाइम रिकॉर्ड शिमला का है। इसी तरह से धर्मशाला में भी जो ऑल टाइम रिकॉर्ड था 29 मार्च 2010 में था 31.6, लेकिन इस साल 33.2 29 मार्च को चला गया। और इसी तरह से बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, लाहौल स्पीति है, सोलन है और कांगड़ा है, उनमें भी जो पुराने रिकॉर्ड्स थे वो सरपास हुए हैं। और अभी अप्रैल इस मंथ में जो है केलोंग में भी ऑल टाइम रिकॉर्ड्स टेम्परेचर अप्रैल में अभी तक अभी आ गया, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स टेम्परेचर है वहाँ के अप्रैल का केलोंग का 19.6 था, लेकिन ऑलरेडी जो है 19.7 टेम्परेचर जो है पिछले कल जो है रिकॉर्ड किया गया है। तो ये कंटिन्यूस जो है वार्मिंग है, एक तो ये है कि कंसिस्टेंसी है इसमें, एक तो बात ये है, दूसरा ये है कि ये लगातार जो है हीट वेव कंडीशन बनी हुई है। फोरकास्ट क्या है? फोरकास्ट देखिए, इससे रिलीफ मिलेगा, पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है, तो अगले 3 दिनों में जो है बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर ज़्यादा है, अब नॉर्मल टेम्परेचर है, वार्मिंग है, उससे रिलीफ मिलेगा। 13, 14, 15 में बारिश होगी। शिमला में भी जो है संभावना है कि हल्की बारिश और थंडर लाइटनिंग होने की संभावना है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।